कभी ऐसे सोचा है कि किसी का एक प्रयोग फेल होता है, हम फेल भी नहीं कह सकते, लेकिन उसको कुछ करना अलग था लेकिन बनता कुछ अलग ही है, और उससे कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आता है और वो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत बड़ा ब्रांड होता है। हाँ दोस्तों, कभी हम सोचते भी नहीं है और हमेशा ऐसे ही सोचा जाता है कि ये प्रोडक्ट अगर हम बनवाने वाले हैं तो इसका मार्केट कैसे मिल सकता है, लेकिन अगर उस प्रोसेस में कोई अलग ही निर्माण होता है और उसका भी शायद नया धंधा बनाया जा सकता है। तो ये स्टोरी है केलॉग्स की। तो आपको पता होगा केलॉग्स ये नाम किस लिए फेमस ज्यादा है, सीरियल्स एंड कॉर्नफ्लेक्स में वो ज्यादा काम करते हैं, और ये कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्ट ही ऐसे स्टोरी से आया था। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा, आई एम एंटरप्रेन्योर ट्रेनर एंड बिजनेस कोच। तो आज हम देखने वाले हैं केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की स्टोरी। सो केलॉग्स कंपनी का ये कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्ट ओरिजिन ही कैसे हुआ था। तो जैसे मैंने अभी कहा, जॉन केलॉग्स एंड विली केलॉग्स ये दो भाई थे, और उन्होंने अपने हेल्थ एंड स्पा सेंटर में एक प्रयोग किया करते थे कि उस प्रयोग में बहुत सारे अनाज के लेके पीस के मिक्सचर बना के वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, क्योंकि उनके हेल्थ एंड स्पा सेंटर में बहुत सारे लोग रहने के लिए आते थे, उनको अच्छा डाइट कैसे मिले इसके ऊपर वो ज्यादा काम करते थे। और ऐसे ही एक दिन उन्होंने अनाज को पीस के एक मिक्सचर करके बना के रखा था, फिर वो उसके ऊपर जो करना था वो शायद काम के सिलसिले में भूल गए और वो मिक्सचर ऐसे ही सूख गया। दूसरे दिन जब भी उन्होंने सूखा हुआ मिक्सचर देखा तो उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि उसके ऊपर क्या करें अभी, लेकिन सूखा हुआ मिक्सचर से उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार किया और उसको हमने अभी फ्लेक्स के नाम से जानते हैं, और कॉर्नफ्लेक्स वहां से तैयार हो गए। सो दोस्तों, जो भी फ्लेक्स उन्होंने बनाए, अभी आपको भी पता है केलॉग्स दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी है, एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द फूड एंड स्नैक्स मार्केट आफ्टर द पेप्सिको। सो ये भी है दोस्तों कि स्टोरी हमें हमेशा बताती रहती है, कुछ तो सीख भी हमेशा मिलती है कि आप कुछ भी कर रहे हो अगर उससे कुछ गलत भी हुआ या सही भी हुआ तो भी एक बहुत बड़ा निर्माण किया जा सकता है। तो इसके लिए कोई गलती भी हुई तो भी उसके लिए मतलब दोष मत देते रहना कि ऐसा गलती होता है, हमेशा मैं ट्राई करता हूं। केलॉग्स की स्टोरी हमें ये बताती है 17 बार वो दोनों ट्रायल एंड एरर में कितने फेलियर हुए थे, फिर जाके केलॉग्स का निर्माण किया गया। सो जॉन केलॉग्स एंड विली केलॉग्स ये जो दो भाई थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो कभी आगे जाके बहुत बड़ी कंपनी भी निर्माण करेंगे। विली केलॉग्स का जन्म 1860 में हुआ था। वो और उनके भाई वो दोनों मिलके एक सैनिटोरियम चलाते थे, उनको वो सैन बोला करते थे, और ये सैन का मतलब है अभी के जमाने में जब भी हम ऐसे हिल स्टेशन जाते हैं वहां पे रहने खाने की सुविधाएं होती है, और बहुत सारे लोग मतलब एज अ लेजर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए या फिर हेल्थ के लिए भी जाते हैं, ऐसे वो सैन हेल्थ एंड स्पा सेंटर करके वो चलाते थे। बहुत बड़े बड़े लोग भी वो सैन को विजिट किया करते थे, हेनरी फोर्ड भी हो, हीरो हीरोइंस भी हो उस जमाने की, वो भी वहां पे आके विजिट किया करते थे, और ये सैंड में अच्छी मतलब सेवाएं देने के लिए वो दोनों भी बहुत काम करते थे। और उस काम का एक ही एक ही प्रकार था कि वो डाइट के ऊपर भी बहुत कॉन्शियस थे, और वो डाइट लोगों को अच्छा कैसे मिले इसके ऊपर वो ज्यादा काम करते थे। और जैसे मैंने पहले ही जो इंसिडेंट बताया कि वो गलती से एक प्रोडक्ट से फ्लेक्स कैसे बन गए, तो ये फ्लेक्स वो अपने मतलब जो भी विजिटर्स आते थे उनको खिलाते थे, और वो हेल्थ भी अच्छे रहने के लिए काम आता था और लोगों को बहुत पसंद भी आया था। तो सैन से जाने के बाद जब भी वो लोग घर पे जाते थे तो उनको वो प्रोडक्ट फिर से चाहिए था, और फिर उन्होंने डिमांड किया जॉन एंड विली केलॉग्स को कि ये प्रोडक्ट हमें घर पे भी कैसे मिल सकता है, और तब जाके उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये प्रोडक्ट उनको मतलब बेच दिया जाए, और यहां से केलॉग्स एंड फ्लेक्स की कंपनी चालू हो गई। और फिर दोनों ने मिलकर ये सोचा कि जॉन ये केलॉग्स का प्रोडक्शन करेगा और विली उसका मार्केटिंग संभालेगा, और फिर विली केलॉग्स ने केलॉग्स कंपनी की फॉर्मेशन की और वहां से केलॉग्स की जर्नी चालू हो गई। अभी ये केलॉग्स कंपनी जो भी हम देख रहे हैं वर्ल्ड का बहुत बड़ा ब्रांड है, मोर देन 100 कंट्रीज में उनका काम चलता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, मतलब बहुत सारा काम वो करते हैं। केलॉग्स की केस स्टडी जितनी मैंने पढ़ी वहां पे मुझे बहुत सारी चीजें ऐसे देखने की मिली, जो भी हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बताते हैं, जो भी हम मार्केटिंग पैकिंग ब्रांडिंग की बातें करती है, केलॉग्स ने बहुत सारा यूज उसका किया है। सो अगर दोस्तों आपको सच में बिजनेस सीखना है तो आपको केलॉग्स सीखना पड़ेगा। फिर केलॉग्स हमें क्या बताता है, पैकिंग के मामले में अगर देखा जाए तो ये फूड प्रोडक्ट्स वो बनाते थे, आपको भी पता है फूड का लाइफ कितना कम या ज्यादा होता है, सो शेल्फ लाइफ ऑफ फ्लेक्स भी बहुत कम ज्यादा होता था, तो उसको आगे कैसे ज्यादा बढ़ाए इसके लिए उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल का पहले यूज किया, फिर बाद में और ज्यादा कैसे बढ़ाए, प्रोडक्ट अच्छा कैसे रहे, इसलिए उन्होंने स्क्वेयर बक्से में उस केलॉग्स को पैकिंग करना चालू किया।
अभी भी आपको भी पता है मार्केट में हमें केलॉग्स स्क्वायर बॉक्सेस मिलते हैं, और इससे केलॉग्स अच्छे भी रहते हैं, उसका मतलब स्वाद भी अच्छा रहता है, कलर टेक्सचर जो भी कुछ है वो भी बहुत अच्छा टिकाऊ किया जाता है। सो ये उनके पैकिंग के रिलेटेड था। दूसरा, अगर मार्केटिंग के तौर पे देखा जाए तो केलॉग्स इज द फर्स्ट कंपनी इन द मार्केट इन द वर्ल्ड कि उन्होंने बहुत सारी चीजें पहले अपने कंपनी में चालू की। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो केलॉग्स कंपनी ने उनके मार्केटिंग के तौर पे जो भी वो बक्से बनाते थे वहां पे प्राइसिंग देना चालू किया। मतलब जो भी हम ऐसे अभी देखते हैं कि मैगी के पैकेट के ऊपर भी बच्चों के लिए कुछ तो स्टिकर्स होते हैं या कुछ ऐसे गिफ्ट रैपर्स दिए जाते हैं, तो केलॉग्स इज द फर्स्ट कंपनी कि उन्होंने ये रैपर्स और गेमिंग ऐसा चालू करने का पहले उनके मार्केटिंग में सोचा था। दूसरा, केलॉग्स ने सर्टन प्रोडक्ट्स का अगर सेट आप खरीदते हो तो उसके ऊपर पीसी गेम भी फ्री देना चालू किया। सो गेमिंग का ऑप्शन भी केलॉग्स ने फ्री के तौर पे, फ्री प्रमोशन के तौर पे चालू किया था। दूसरी बात ये कही जाती है मार्केटिंग के तौर पे केलॉग्स ने बहुत सारे स्पोर्ट्स के रिलेटेड इवेंट्स को स्पॉन्सरशिप करना चालू किया था। सो जिम्नास्टिक हो, जिम्नाशियम हो, स्पोर्ट्स हो, तो ओलंपिक के गेम्स भी क्यों ना हो, केलॉग्स वहां पे स्पॉन्सरशिप करता था और उनका ब्रांडिंग बढ़ाने में उसकी बहुत सारी मदद हुई है। ऑटो रेसिंग कार के जो भी गेम चलते थे उसमें भी केलॉग्स ने बहुत सारा स्पॉन्सरशिप किया था। दूसरी बात ये है मार्केटिंग के तौर पे बहुत सारे टीवी चैनल्स को भी वो स्पॉन्सर करते थे। लाइक चिल्ड्रंस के अगर एनिमेशन शो चलते थे, टीवी के सीरियल्स जो चलते थे वहां पे भी केलॉग्स स्पॉन्सर किया करता था। और इसी तरीके से केलॉग्स ने अपना मार्केटिंग बहुत बढ़ाया था और ब्रांड को बहुत पॉपुलर किया था। ये भी कहा जाता है कि केलॉग्स ने एक बुक भी लिखा था हाउ टू स्टे हेल्दी और हाउ टू अचीव द लाइफ बैलेंस इसके ऊपर, और वो बुक भी पब्लिश जो किया था वहां पे भी उन्होंने ये मतलब जताया था कि उनके केलॉग्स के फ्लेक्स खाके, सीरियल्स खाके आप हेल्दी कैसे रह सकते हो। सो दीज आर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाइड बाय द केलॉग्स। सो हम दोस्तों क्या सीख सकते हैं, एक तो जो भी प्रोडक्ट मार्केट में हम लाते हैं, जो भी सर्विस मार्केट में हम लाते हैं, उसके ऊपर आप ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड मार्केटिंग का स्टडी करना चाहिए। हम हमारे कंपनी में सच में हम इसके ऊपर कितना ध्यान देते हैं, और अगर एज पर द वर्ल्ड सर्वे स्टैटिस्टिकल देखा जाए तो ये भी कहा जाता है जितने कंपनी सक्सेसफुल है ब्रांडिंग के मामले में और दुनिया में भी, तो वो कंपनीज मोर देन 25% ऑफ देयर रेवेन्यू यूजिंग फॉर द मार्केटिंग। तो ये दोस्तों पूछने वाली बात है कि हम हमारे कंपनी में कितना रेवेन्यू, कितने परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और मनी सच में मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करते हैं। और ये भी आपको जानने वाली बात है कि अगर हमने मार्केटिंग ही नहीं किया तो सेल बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा, बिकॉज मार्केटिंग इज द की पॉइंट इन द बिजनेस। जैसे हमने बहुत सारे स्टोरी में देखा था कि मार्केटिंग कितना बड़ा होता है और जो लोग, जो कंपनीज मार्केटिंग के ऊपर काम करते हैं वो कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। तो ये केलॉग्स की स्टोरी भी हमें बताती है कि मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है हर कंपनी के सक्सेस में एंड फ्यूचर जर्नी में। तो दोस्तों केलॉग्स ने मार्केटिंग पैकिंग के ऊपर तो इतना बड़ा काम किया ही था, लेकिन मैच्योरिटी एंड लाइफ साइकिल के बारे में जितने भी हम बातें करती है, केलॉग्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू गेट द नॉलेज। क्योंकि केलॉग्स के जो भी सीरियल्स वो फ्लेक्स मार्केट में उन्होंने लाए थे तो वो एजेड लोग ज्यादा पसंद करते थे, और इसीलिए केलॉग्स का टारगेट मार्केट ही वो बन गया था। फिर बाद में केलॉग्स ने सोचा कि क्यों ना यंग एज पॉपुलेशन को भी, जनरेशन को भी टारगेट किया जाए, और इसीलिए केलॉग ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल के वो यंग जनरेशन को भी टारगेट किया। सो दोस्तों ये भी कहने वाली बात है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में काम करते हो और अभी आपका प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए ही यूज किया जाता है, तो ये भी आप सोच सकते हो कि वो सेम प्रोडक्ट क्यों ना दूसरे क्लास के लिए भी यूज किया जाएगा। अगर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बदल दे तो शायद वो भी क्लास आपका टारगेट मार्केट हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट बदलने की चाहे जरूरत नहीं पड़ेगी, पैकेजिंग माइट भी चेंज करना पड़ेगा, या प्रोडक्ट एज इट इज भी अगर मार्केटिंग के तौर पर चेंज किया गया तो आप वो भी मार्केट हासिल कर सकते हो। तो केलॉग्स वो भी किया करता था, मतलब यंग जनरेशन को भी टारगेट किया उन्होंने, चिल्ड्रंस के लिए भी अलग सारे प्रोडक्ट्स बनवाए और एजेड पॉपुलेशन के लिए भी अलग सारे प्रोडक्ट्स बनवाए। एक ये भी कहा जाता है केलॉग्स की स्टोरी में, जब भी फ्लेक्स का मार्केट मैच्योर हो गया था अमेरिका में, तब केलॉग्स को मतलब सोचना पड़ा कि हम दूसरे कौन से प्रोडक्ट्स में आ सकते हैं। तो केलॉग्स ने इसके ऊपर भी काम किया और आरएनडी करके दूसरे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लाए। लाइक केलॉग्स फ्लेक्स के साथ कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स के साथ बेकिंग में भी काम करता है, कुकीज में, बिस्किट में भी काम करता है, और इतने सारे प्रोडक्ट्स की वैरायटी उन्होंने अभी डेवलप की है कि आप अगर फूड के बारे में कुछ भी पूछो तो भी केलॉग्स वो बनाता है। और केलॉग्स की ये भी केस स्टडी हमें बताती है, केलॉग्स अभी वर्ल्ड वाइड में काम करता है तो हर कंट्री के लिए उन्होंने अलग अलग ब्रांडिंग किया है।
मतलब कंट्री के हिसाब से जो उनकी मतलब पॉपुलेशन के टेस्ट थे, या उनके कल्चर के हिसाब से, उनके टेस्ट के हिसाब से, उनके फूड हैबिट्स के हिसाब से वो डेवलप करते हैं। ब्रांडिंग भी उनके हिसाब से ही दिया जाता है और वो प्रोडक्ट भी उसके हिसाब से ही डेवलप किया जाता है। तो दोस्तों, कंपनी के सक्सेस में ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि आप अपने मार्केट का स्टडी कितना डीपर करते हो। जिस मार्केट में आप जाना चाहते हो उस मार्केट के बारे में आपको सच में कितना पता है, और तब जाके आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस दुनिया में एक दिन बहुत बड़ा हो सकती है। सो केलॉग्स की स्टोरी हमें बहुत कुछ बताती है कि प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी कैसे करके डेवलपमेंट कैसे करो, मार्केटिंग के ऊपर अगर सच में हम काम करते हैं तो आप कितना बड़ा बन सकते हो, पैकिंग के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम कितना आगे ग्रो कर सकते हैं, और बिजनेस में अगर नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज करके अगर दुनिया भर भी आप मार्केट अचीव करो तो भी आप बड़ी कंपनी कितनी बन सकते हो। सो दोस्तों, ये है कि सच में सरप्राइजिंग ये लगता है ऐसे स्टोरीज को सुन के कि गलती से किसी ने एक प्रयोग करके कोई तो प्रोडक्ट मार्केट में लाया, वो भी किसी खास इंसान के लिए लाया, मतलब उनके जो भी विजिटर्स आते थे उनके लिए बनवाया, और कभी ये सोचा भी नहीं था कि उससे भी एक दिन इतनी बड़ी कंपनी वो बना सकते हैं। लेकिन केलॉग्स इतनी बड़ी कंपनी बन भी गई। और जो भी प्रिंगल्स हम अभी मार्केट में देखते हैं, पोटैटो चिप्स का, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो ब्रांड था वो भी केलॉग्स ने हायर किया, एक्वायर किया, और केलॉग्स सेकंड लार्जेस्ट कंपनी इन द फूड सेक्टर अभी मार्केट में है आफ्टर द पेप्सिको। सो दोस्तों, केलॉग्स ने अपनी जर्नी में बहुत सारे ब्रांड्स को एक्वायर किया था, हायर किया था, एक्विजिशन, मर्जर्स, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, मतलब ये सारा वो करते गए, और इसीलिए केलॉग्स आज दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है। सो केलॉग्स के स्टोरी से आपको भी बहुत कुछ पता चला होगा, और मुझे आशा है कि ये जो वीडियो आप सुन रहे हो, मतलब जो भी सीरीज हम बना रहे हैं, उससे आपको बिजनेस के मामले में बहुत कुछ बातें पता चली होगी। और दोस्तों, मुझे आशा है कि अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो तो आप हमसे भी पूछ सकते हो, या फिर आप सच में आगे जाके उसके ऊपर भी मतलब थोड़ा सा स्टडी करना सीखो। केलॉग्स अगर सच में आपको लगता है कि उन्होंने मार्केटिंग कैसे किया ये भी आपको जानना चाहिए, तो केलॉग्स के बारे में आपको नेट पे भी बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, वो भी आप स्टडी करो और अपने प्रोडक्ट के लिए ऐसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करो। सो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी लोग इसके ऊपर जरूर इम्प्लीमेंट करते होंगे, आपके बिजनेस के लिए इसका बहुत फायदा भी होगा। तो ये सारी बातें सुनते रहना, स्टडी करते रहना, और दूसरी बात, जैसे हमने कल भी कहा था, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सुनते तो हम बहुत है, पढ़ते भी हम बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो कम आता है। और इसीलिए अगर प्रैक्टिकल में आने के लिए अगर आपको हमारे कंसल्टेशन की भी जरूरत है, आपके प्रोडक्ट एंड कंपनी के हिसाब से अगर हमें क्या करना चाहिए ये अगर आप जानना चाहते हो, तो भी यू कैन कनेक्ट विथ मी एंड अवर कंपनी। सो वी विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस एंड टू क्रिएट योर फॉर्चून। सो दोस्तों, आज हम केलॉग्स के स्टोरी के लिए यहाँ ही रुकते हैं, कल हम जरूर मिलेंगे दूसरे स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ एट योर होम, टेक केयर, बी प्रोडक्टिव, टेक एक्शन। थैंक यू।